हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट किया था। अब लास्ट अब हम देखते हैं कि इसी बाइनरी ट्री का हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को कैसे कैलकुलेट करें। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री को, और फिर हमें रूट को प्रोसेस करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम रूट नोड ए से। तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, इसके लेफ्ट सब ट्री पे, लेफ्ट चाइल्ड पर। तो ए से हम जाएंगे बी पर। अब बी पर हमें फिर से कहां जाना है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री पर, तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे यानी डी पर। फिर से हमें डी से कहां जाना है, इसके लेफ्ट सब ट्री पर यानी जी पर। जी पर आने के बाद हम देखेंगे क्या जी का लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट सब ट्री है, नो। देन लेफ्ट के बाद हम अब चेक करेंगे राइट को, क्या जी का राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री है, नो। अब हम प्रोसेस करेंगे जी को यानी रूट को। तो सबसे पहले हमारे पास नोड आ जाएगी जी, फिर हम वापस जाएंगे डी के पास। डी नोड पर अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, डी के लेफ्ट सब ट्री को हम एक्सेस कर चुके हैं। लेफ्ट के बाद हम कहां जाएंगे, इसके राइट सब ट्री, राइट चाइल्ड पर यानी एच पर। एच पे फिर से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चेक करेंगे, क्या हम इसके लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर चुके हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। देन हम देखेंगे क्या इसका राइट सब ट्री या राइट चाइल्ड है, यस। तो एच के हम राइट सब ट्री और राइट चाइल्ड पर जाएंगे यानी के पर। के पर फिर से हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड है, नो। क्या इसका राइट सब ट्री और राइट चाइल्ड है, नो। तो अब हम प्रोसेस करेंगे रूट को यानी के। के को प्रोसेस करने के बाद हम वापस आएंगे एच पर। फिर हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, यस, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। क्या इसका राइट सब ट्री हो चुका है, ट्रेवर्स, यस। अब हम प्रोसेस करेंगे रूट को यानी एच को। तो नेक्स्ट नोड इज एच। फिर से हम वापस जाएंगे डी के पास। फिर से हम चेक करेंगे क्या डी का लेफ्ट सब ट्री हो गया है, यस। क्या डी का राइट सब ट्री हो गया है, यस। तो हम रूट को प्रोसेस करेंगे यानी डी नोड। फिर से डी के बाद हम जाएंगे बी के पास। फिर हम चेक करेंगे क्या बी का लेफ्ट सब ट्री हो गया है, यस। क्या बी का राइट सब ट्री हो गया, बी का राइट चाइल्ड राइट सब ट्री नहीं है। तो हम प्रोसेस करेंगे रूट को यानी बी को। बी से फिर हम वापस जाएंगे ए के पास। फिर हम चेक करेंगे क्या ए का लेफ्ट सब ट्री हो गया है, यस। क्या ए का राइट सब ट्री हो गया है, नो। तो हम ए से आएंगे अब सी के पास। फिर सी पे हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट चाइल्ड है, यस। तो हम आ जाएंगे ई के पास। फिर हम ई पर चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट सब ट्री है या लेफ्ट चाइल्ड है, नो। क्या इसका राइट सब ट्री या राइट चाइल्ड है, नो। तो अब हम प्रोसेस करेंगे रूट को यानी ई नोड। ई से फिर हम वापस आ जाएंगे सी के पास। फिर हम चेक करेंगे क्या सी का लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, यस। क्या सी का राइट सब ट्री हो चुका है, नो। तो हम सी से जाएंगे उसके राइट चाइल्ड के पास यानी एफ के पास। क्या इसका लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। क्या इसका राइट सब ट्री हो गया, इसका राइट चाइल्ड नहीं है। तो अब हम प्रोसेस करेंगे एफ को, रूट नोड को यानी एफ, और हम वापस आ जाएंगे अब सी के पास। क्या सी का लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है, यस। क्या सी का राइट सब ट्री और राइट चाइल्ड हो चुका है, ट्रेवर्स, यस। अब हम रूट को प्रोसेस करेंगे यानी सी नोड को हम प्रोसेस करेंगे, और हम वापस से आ जाएंगे ए नोड के पास। क्या ए नोड का लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, यस। क्या ए का राइट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, यस। अब हम प्रोसेस करेंगे ए नोड को यानी रूट नोड को ए। तो अब हम देख चुके हैं कि हमने हर नोड को एक बार एग्जैक्टली ट्रैवर्स और विजिट कर लिया है। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस बाइनरी ट्री। तो इस तरीके से हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।